कुल आपदा आज देखिए निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स की भी बात कर लेनी चाहिए। आज जो बाजार में बढ़त दिखी वो मेजरली आपको गैप अप के साथ दिख गई और उन स्टॉक्स में दिखी जिनमें अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर था। टाटा मोटर्स जबरदस्त नंबर्स आए, बजाज ऑटो ओवर द कल छुट्टी के दिन नंबर्स आए, ये दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव दिखी और ये गैप अप में ही मूव मेजरली दिख गई। फायदा उनको मिला जो बुधवार को लेके गए थे, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आए उसमें तेजी थी। आईटीसी आज एफएमसीजी डिफेंसिव जैसा प्ले आउट करता हुआ दिखाई दिया। यूपीएल जैसे कुछ स्टॉक्स में आपको मूव दिखी और इनफैक्ट पूरे ऑटो पैक में आपको, चाहे महिंद्रा की बात करें, आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, वहां पर एक स्ट्रेंथ जरूर थी। इनफैक्ट दो ही स्पेसेस आपको दिख रहे हैं जो हरे निशान में बंद होते हैं, ऑटो और फार्मा। उसके अलावा जो बड़ी गिरावट निफ्टी की कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही अपेरेंट है। सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट निफ्टी में आप टॉप लूजर्स देखें उसमें अदानी स्टॉक्स हैं। अदानी एंटरप्राइज 19% के पास लगभग कमजोरी के साथ बंद होते हुए जा रहा है। अदानी पोर्ट्स लगभग 15.5% की कमजोरी के साथ बंद होते जा रहा है। बैंक्स पर अच्छी खासी हैमरिंग देखने को मिली। सबसे बड़ा पब्लिक लेंडर SBI, वहां पर आपको 5% की गिरावट दिखी। ICICI बैंक लगभग 4.5% की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। इंडसइंड बैंक लगभग 3.5%। सबसे स्ट्रेंज बात है ऐसे सेक्टर्स जिनका अदानी के मैटर से, इस रिपोर्ट के मैटर से कोई लेना देना नहीं है, क्रूड का अपना एक ट्रिगर चल रहा है, अपनी चाल चल रही है, फिर भी आपको ONGC आज के दिन वीक दिखा। क्रूड सर्च पर है, डिमांड को लेकर चाइना से, चाइना ओपनिंग के बाद डिमांड को लेकर जो तेजी का मोमेंटम ONGC पे बना हुआ था वो भी आज थमता हुआ दिखाई दिया। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स के लिए तो रीजन है ही क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ONGC के लिए भी आज का दिन हैमरिंग का ही दिखाएगा। सेंटिमेंटलिस्ट पूरे सेंटिमेंट में आज IT पैक भी नहीं चला, हालांकि IT पैक पिछले आप 6-7 दिन से देख रहे थे उसमें मूव थी। आज अगर आप गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो उनमें आपको IT के टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हो, इंफोसिस जैसे काउंटर्स हो, विप्रो, HCL टेक, सभी में गिरावट थी। सीमेंट पैक हम इस हफ्ते की शुरुआत से ही देख रहे थे, वहां वीकनेस थी। अल्ट्राटेक ने अपनी गाइडेंस में प्राइस हाइक फर्दर ना लेने की बात की, सेंटिमेंट इफेक्ट हुआ और एक और अदानी पैक का स्टॉक अंबुजा सीमेंट वो वीक हुआ। ये सारे ट्रिगर्स आज बनते चले गए, ना कैपिटल गुड्स स्पेस से कोई कंट्रीब्यूशन आया, ना आपको डिफेंस से कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई दिया। मेटल्स बहुत हद तक सबड्यूड रहे, ना वो ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे। आप अगर बात करें टाटा स्टील की तो उसमें बहुत ही फ्लैटेस्ट सा रुझान आपको देखने को मिला, ना ज़्यादा बढ़ा और ना ज़्यादा घटा, क्योंकि कमोडिटीज़ की अपनी एक चाल है, रिस्क ऑन एनवायरमेंट ग्लोबली बाजारों में है, डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि मेटल पैक में एक स्ट्रेंथ है। हाँ, आज फर्दर बाइंग नहीं दिखी इसलिए स्टॉक्स आज बहुत ही फ्लैटेस्ट से दिखाई दिए। फार्मा स्पेस के कुछ सिलेक्टिव डिफेंसिव बेट्स में काम हुआ जहां अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर था और थोड़ा बाजार में लॉन्ग्स का ट्रेड आज अवॉइडेड ही दिखा, और दिखा भी तो सिर्फ वो अर्निंग्स के बेसिस पे दिखा। एट द सेम टाइम मिड कैप पे आज काउंटर्स की बात करें, डिक्सन टेक के नंबर्स आए, एस्टिमेट्स से थोड़ा बीट, नाराज डिसअपॉइंट किया नंबर्स ने, गाइडेंस कंपनी ने काटी, जिसके बाद बाजार ने स्टॉक को अच्छा खासा पनिश किया। 19% वीक आपको डिक्सन टेक जैसा स्टॉक दिखाई दे रहा है। HPCL में आपको बड़ी गिरावट दी, HPCL और ONGC, इनमें ONGC में, HPCL में ONGC का स्टेक भी है, और आप देख भी रहे 5.5% की HPCL में गिरावट दिखी। बैंक्स, चाहे मिड कैप बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, PSU बैंक्स हो, सभी में एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिली। अदानी फैक्ट के अदानी विल्मर स्टॉक जैसा वीक हुआ था, उसका रब ऑफ इफेक्ट उसी स्पेस का पतंजलि फूड्स, वहां पर भी 5% का लोअर सर्किट लगाई हुआ दिखाई दिया। हालांकि मेटल के कुछ काउंटर्स में आप जिंक जैसे कुछ काउंटर्स की बात करो, हिंदुस्तान जिंक, खैर इसका रीजन हिंदुस्तान जिंक और वेदांता की स्टोरी के चलते भी है, आप वहां पर 3.5% की गिरावट देख रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस में आपको दूसरे स्टॉक्स में गिरावट दिखी, BHEL जैसे स्टॉक्स वीक हुए। पूना वाला फिनकॉर्प अच्छे नंबर्स और एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी थी, 35-40% AUM ओवर द 3 ईयर्स इंक्रीज ग्रोथ की गाइडेंस दी थी कंपनी ने, स्टॉक बेहद अच्छा चला था, लेकिन आज वहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सो ओवरऑल आज बाजार में कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं थी, डिस्पाइट ओनली ट्रिगर वॉज अर्निंग बेस्ड, जहां जहां बाइंग थी। ऑटो पैक की रफ्तार बस आज पूरे दिन में आपको बनी हुई दिखाई दी, सिलेक्टिव फार्मा अच्छे दिखाई दिए, कुछ सिलेक्टिव आपको जैसे सिप्ला, सन फार्मा, इनमें आपको दिखी। इंश्योरेंस काउंटर्स के लिए SBI लाइफ, HDFC लाइफ, वहां पर मोमेंटम बना हुआ था, और साथ ही कुछ सिलेक्टिव कैपिटल स्पेस जो अच्छे टेक्निकल बाउंस बैक भी कर चुके हैं, जस्ट लाइक UPL जैसे काउंटर्स में मूव दिया। हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छी खासी गिरावट झेलने के बाद आज फ्लैटिश, फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बड़े नंबर्स आने हैं, कुछ बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, जब मंडे को आएंगे उससे पहले वो नंबर्स आ चुके होंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बहुत ज़्यादा आज के दिन में वीक नहीं, बजाज फिनसर्व हुआ आप देखें तो फ्लैट सा, फ्लैट टू नेगेटिव बंद होते हुए कामकाज करते हुए जा रहा है।
तो ओवरऑल बाजार में आज सेंटिमेंट बेहद वीक था और ओवरऑल अब देखना होगा कि वीकेंड पे किसी तरह की क्लैरिटी अदानी ग्रुप की तरफ से कोई आती है जिससे बाजार के सेंटिमेंट को सुधारने में कोई मदद मिल पाएगी सोमवार को, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो अब भी पॉजिटिव थे, इसके बाद भी हमारे बाजारों में कुछ बढ़त नहीं आ पाई, बाजारों को कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो प्योरली ये डोमेस्टिक रीजंस है और डोमेस्टिक ट्रिगर्स ही इसको लिफ्ट कर पाएंगे। अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशल है क्योंकि हम बजट वीक में एंटर कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन दूर रहेंगे हम बजट से, तो देखना होगा कि किस तरह की चाल देखने को मिलती है सोमवार को।